हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला खरीद एकेडमी। जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि IBPS AFO की जो एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश का काफ़ी योगदान रहता है, और इंग्लिश की वजह से ही ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट अपना कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते और उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए इंग्लिश की सीरीज लेके आया हूँ कि इंग्लिश में हम किस तरीके से कम 5 से 6 मार्क्स तो लेके ही आ जाएं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ब से। वर्ब, वर्ब का मतलब उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा, वर्ब मतलब होता है एक्शन या कोई क्रिया। एक्शन हिंदी में कहें तो क्रिया, जो भी आप काम करते हो वो क्या होता है, क्रिया होती है। जैसे खाना खाना, जाना आना, सोना, ये क्या है, सब कुछ क्रिया है। अब वर्ब बेसिकली आपको जनरल वर्ब पता होगी, हम बात करेंगे मेन उन पॉइंट से जहाँ से एरर निकलती है, जहाँ से एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर की कंडीशन बनती है, जहाँ से सेंटेंस इंप्रूव करने वाली कंडीशन बनती है, हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन और कुड के साथ। शुरुआत करते हैं कुछ रूल्स से। पहला रूल रहते हैं कैन और कुड का, कैन ऑब्लिक कुड, ये क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स इसका मतलब होता है, कैन का मतलब होता है सकना या सकता, कुड का मतलब पास्ट के लिए सका। ये आपकी दोनों जो मॉडल्स है ये एबिलिटी बताते हैं, आपकी एबिलिटी बताते हैं, किसी कार्य को करने की क्षमता बताते हैं। अब इसका रूल कैसे होगा, जब भी कभी कैन और कुड हो इन दोनों के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं होगा, एबल टू का प्रयोग नहीं होगा। ये हमारा पहला रूल हो गया, क्योंकि दोनों का मतलब होता है योग्यता बताना। एबल एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब होता है करने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता। तो कैन और कुड के साथ कभी भी आपको एबल टू दिखे, समझ लो वहीं पर या तो एरर है या वहीं पर हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि किस तरीके से आपको कंडीशन दी जाएगी, एरर कैसे निकालोगे, सेंटेंस इम्प्रूव कैसे करोगे। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। इसका मतलब हुआ कि मैं कल आने में असमर्थ रहूंगा या मैं कल आ नहीं सकता। अब यहां एबल टू का मतलब भी वही हुआ और कैन का मतलब भी वही हुआ, यहां पर या तो एबल टू होना चाहिए या तो कैन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन में हम देखेंगे ये गलत है, आप डायरेक्ट कह सकते हो आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, या तो फिर आप कह सकते हैं आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। दोनों का यदि इसमें से इसको एबल टू को हटा दे, इसका और इसका मीनिंग सेम होगा, तो यहां पर इस तरीके से ये करेक्ट सेंटेंस है। तो जब भी कभी कैन के साथ एबल दिखे या कुड के साथ एबल दिखे तो समझ लो आपकी यहाँ पर एरर है, और यदि सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो तो हम एबल या तो हटा देंगे या तो उसमें ऐड कर देंगे, जिस कंडीशन को देखते हुए हम काम करेंगे। इसी तरीके से एक होता है मे और माइट। मे का मतलब होता है संभावना दर्शाना किसी चीज की, मे ऑब्लिक माइट की बात करते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं किसी काम को करने की या होने की, शायद मैं कर सकता हूं नहीं, जैसे भी है संभावना बताते हैं, ये पास्ट में आपकी संभावना बताएगा। इनके साथ कभी भी मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली
दिखे तो समझ जाओ एरर यहीं पर है, एरर है। या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो हम इसमें से एक चीज को हटा के सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि किस तरीके से आपको कंडीशन मिलेगी। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, वी मे पॉसिबली कम टुमारो। इसमें क्या हुआ है, मे और पॉसिबली एक साथ दे दिया है, ये सेंटेंस गलत है आपका। एरर की बात हो तो इस पोर्शन में एरर है, आप या तो इसको लिख सकते हो कि वी मे कम टुमारो, या तो फिर वी विल पॉसिबली कम टुमारो। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हमें देखना क्या है कि कहां पर एरर आ रही है, कहां पे सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ये कंडीशन आपको दिखे तो दो रूल बताया आपको मैंने, कैन और कुड के साथ कभी भी आप एबल टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर हम दूसरी वर्ब की बात करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी मीनिंग सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं, बियर, इसका मतलब होता है पैदा करना। इसका सेकंड फॉर्म जो होगा बोर हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया बोर्न। इसी तरीके से एक और होता है बियर, इसका मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। इसका सेकंड फॉर्म भी सेम होता है लेकिन थर्ड फॉर्म में एन ई आता है, यानी आता है। अब यहां पे इन वर्ब का इस्तेमाल किस तरीके से आपको एरर देने में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने में किया जाएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। हम एग्जांपल लेते हैं, ही वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। इसमें क्या है, बात की जा रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन की कि वह गरीब परिवार में पैदा हुआ, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो बोर्न जो आया है, हमें पैदा होने वाला चाहिए था बोर्न, जो आपका जन्म होता है उसके लिए बोर्न का इस्तेमाल करना था, और यहां पर बोर्न जो दिया है वो दिया हुआ है आपका सहन करने वाला। इसका मतलब ये वर्ब यहां पे एरर है। यदि एरर की बात करें तो एरर हो गया, ये गलत है। और यदि हम इसको इंप्रूव करना चाहे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, तो इंप्रूव करने के लिए हम इस बोर्न को हटा के बी ओ आर एन बोर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे और भी दो तीन वर्ब का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। इसी तरीके से हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ब, फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब FIND, फाइंड मतलब होता है, सेकंड वर्ब लेते हैं फाइंड, इसका मतलब होता है पाना। इसका सेकंड फॉर्म होगा फाउंड, थर्ड फॉर्म होगा फाउंड। एक होता है फाउंड, इसका मतलब होता है स्थापित करना। सेकंड फॉर्म होगा इसका फाउंडेड, थर्ड फॉर्म होगा फाउंडेड। अब इस वर्ब को लेकर किस तरीके से एरर मिलेगी, किस तरीके से आपको सेंटेंस इंप्रूव करना होगा, वो एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जांपल हम लेते हैं, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950। अब यहां पे बात ये की जा रही है कि जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन यहां पर फाउंड का मतलब पाने वाला दिया है, लेकिन हमें तो स्थापित करने वाला चाहिए था। तो इसमें आप देखोगे तो ये हो गई आपकी एरर, यहां पर ये गलत है, यहां पे एरर आ गया, क्योंकि ये फाउंड का मतलब होता है पाना,
और यूनिवर्सिटी पाई नहीं गई है, उसको हमने स्थापित किया गया है। तो एरर की जगह बात करेंगे तो फाउंड हो गया, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना हो तो इसकी जगह हम यूज करेंगे फाउंडेड। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, जहां भी आप एग्जाम देने जाओगे सेंटेंस ऐसा होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने की कंडीशन अंडरलाइन के द्वारा दे दी जाएगी और ऑप्शन में फाउंडेड दिया जाएगा, आपको ऑप्शन पर टिक करना है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेता हूं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं राइज, आर आई, थर्ड एग्जाम्पल है आर आई राइज, इसका मतलब होता है उंगना या उठना। एक होता है रोज, इसका थर्ड फॉर्म होता है राइजन। इसी तरीके से एक होता है रेज, आर ए आई एस ई रेज, इसका मतलब होता है उठाना या उंगाना। रेज्ड, रेज्ड ये थर्ड फॉर्म हो गई उसकी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एरर कैसी मिलेगी आपको। ही वाज सो इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। हमने एग्जाम्पल लिया, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अब यहां पर आप देखोगे इसका मतलब होता है उत्सुक, जिसको नहीं पता हो। सेंटेंस का पहले हिंदी मीनिंग बताता हूं, इसका मतलब हुआ कि वह बहुत ही उत्सुक था, वो क्लास में बहुत सारे सवाल खड़े करता था या उठाता है, ठीक है। अब यहां पे इस रोज का मतलब तो हुआ, यहां से देखोगे उंगना या उठना। अब क्वेश्चन किसी के द्वारा उठाए जाते हैं, सवाल किसी के द्वारा उठाए जाते हैं या ऑटोमेटिक उठते हैं। हम बात करते हैं यदि क्लास में हम जाते सवाल ऑटोमेटिक नहीं उठेंगे, हमारे द्वारा हम टीचर से पूछते हैं, मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं। अब यहां पर रोज दिया है आपका उठने के लिए या उंगने के लिए, लेकिन हमें ये वाला चाहिए था, ये रेज्ड चाहिए था। तो एरर की बात करें तो ये वर्ब आपकी एरर हो गई। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बात करें तो इसकी जगह हम रेज्ड का इस्तेमाल करेंगे। सेम कंडीशन ऐसे हो जाती कि सन राइज इन द मॉर्निंग, अब इसमें सन की जगह वर्ब जो होगी राइज होगी, क्योंकि सन ना तो किसी के द्वारा उठाया जा रहा है, वो उसका ऑटोमेटिक उंग रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो यहां पर यदि दे दिया जाए आपको सेकंड एग्जांपल में सन रेज इन द मॉर्निंग, यहां पर एरर क्या होगी, यहां होगी, क्योंकि सन ना तो हमारे द्वारा उठाया जा रहा है ना हमारे द्वारा उंगाया जा रहा है, सन एक नेचुरल प्रोसेस से ऑटोमेटिक उठता है, तो यहां पे राइज आएगा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी वर्ब है जिनका इस्तेमाल एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ग्रामर में करना होगा। तो और भी मैं लिखवा देता हूं, कुछ दो तीन और लिखवा देता हूं, बाकी जिन लोगों को ऐसी वर्ब और चाहिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे आप एक बार मैसेज कर देना, तो पूरे ग्रामर के एग्जाम्पल के साथ आपको रोल भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक लिखते हैं फोर्थ वाली, फैल, फैल हमें होता है गिरना, इसका सेकंड फॉर्म होगा फॉल, फेल, फैलन, ये हुआ गिरने के लिए। और एक होता है फेल, इसका मतलब होता है गिराना, फेल्ड, एफ ई एल ई डी, सॉरी एफ ई डबल एल ई डी, एफ ई डबल एल ई डी, इसका मतलब हुआ फेल्ड। यहां पर आप देखोगे ये गिरना, आप जा रहे हो रास्ते से ऑटोमेटिक गिर गए, या किसी को आपने गिराया, ये उस कंडीशन में होगा। तो दोनों में काफी अंतर होता है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके आपको या तो एरर फाइंड करने के लिए आ सकता है या तो सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए आ सकता है। इसी तरीके से एक वर्ब है हैंग, हैंग्ड, सॉरी हैंग का मतलब होता है फांसी चढ़ाना या फांसी लगाना, लटकाना, फांसी लगाना। और सेम हैंग की स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है लटकाना,
लेकिन हम बात करें सेकंड और थर्ड फॉर्म की जो अलग होते हैं, इसका होगा हैंग्ड, हैंग्ड, और इसका होगा हंग, हंग। अब यहां पर आपको बात की जाए किसी को फांसी लगाने की और वर्ब दे दीजिए ये, तो वहां पर एरर होगी, वहां पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना होगा तो हैंग्ड आएगा। और यहां पर कह दी जाए कि मैंने शर्ट को दीवार पे लटका दिया, लटकाने वाली बात हो, तो वहां पे ये वाला हैंग आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और भी वर्ब है जो आपको डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में देखने को मिलती होगी, उन वर्बों को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख ले, ताकि एक बार आप मैसेज कर देंगे तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है एफओ के स्टूडेंट्स के लिए, उनको हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर सकें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9111573272, 9111573272। और भी मेरे आगे वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।